राजधानी दिल्ली और देश के लोगों से सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि भाजपा द्वारा जारी किए गए इस पोस्टर से आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि राहुल गांधी की तुलना रावण से की जा रही है? और आपको पता है दशहरा आ रहा है, रावण का दहन किया जाएगा और भाजपा के ऑफिशियल पोस्टर से राहुल गांधी जी को रावण दिखाने की कोशिश। कारण क्या है, हमने पूछा कि क्यों इतनी बौखलाहट है सत्ता में कि ऑफिशियल हैंडल से राहुल गांधी जी को रावण बताकर हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है। चिंता हमें होती है क्योंकि ये वो भाजपा है जिसमें गोडसे ने आरएसएस वो है जिसमें जन्म लिया और आज भी बहुत से नफरत से जहर से भरे हुए गोडसे इस भाजपा आरएसएस में है जो खून के प्यासे है क्योंकि कोई उनकी राह में रोड़ा अटका रहा है। क्या दुश्मनी है राहुल गांधी जी से? क्यों है राहुल गांधी, ये तो मात्र कांग्रेस के एक सांसद मात्र ही तो रह गया जिनकी सदस्यता आपने ली, जिनकी एसपीजी सुरक्षा आपने छीनी, जिनका सरकारी आवास आपने छीना, सब कुछ छीना, लेकिन ये राहुल गांधी रुका नहीं। 4000 किलोमीटर की यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा लहराया, रास्ते में आदिवासी दलित मजदूर किसान सबसे मिले और बात की और उनके जोड़ते हुए चले गए और उस मणिपुर में पहुंच गए जिस मणिपुर पे आज भी देश के प्रधानमंत्री जी का इंतजार किया जा रहा है कि मणिपुर चल रहा है। अब आप कहते हैं आफ्टर इंडिया आफ्टर 2014 तो ये है, लेकिन उससे पहले क्या था? एक और पोस्टर आपके लिए लेकर आई, आप ही से आप मैंने आज आप ट्वीट किया, ये 1945 का पोस्टर, 1945 का 46 सावरकर की किताब से है। ये गोडसे एक अखबार निकाला करता था गोडसे नाम का, उस अखबार में ये पोस्टर छपा था, ये कार्टून छपा। अब इसका असर क्या हुआ 1946 का है, साफ दिख रहा है कि सावरकर दिखाए जा रहे हैं और दूसरे शख्स कौन है आपके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या कर रहे हैं। रावण की भूमिका में 1940 में महात्मा गांधी को दिखाया, क्या असर हुआ 1947 में गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। ये पहले और बाद की बात है, कुछ नहीं बदला इनकी सोच, इनके तरीके, इनका नजरिया, हिंसक राजनीति आज भी। असली तस्वीर क्या है? असलियत तो ये है जलता हुआ मणिपुर, डबल इंजन की सरकार, गुहार लगा रहा है प्रधानमंत्री जी हमारी तरफ देखिए, आदिवासी बेटियों को नग्न करके पुलिस थाने से खींचा जाता है, सामूहिक बलात्कार होता है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं लाइन भाजपाइयों को, गोदी मीडिया को मिल गई कि छत्तीसगढ़ राजस्थान में भी तो ऐसा होता है, बात खत्म करते। आज भी मणिपुर इंतजार कर रहे प्रधानमंत्री जी, राजस्थान जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, चुनाव है, वोट चाहिए, हमने तो वोट दे दिया, डबल इंजन की सरकार बना दी, हमारा क्या कसूर है? और इस मणिपुर में राहुल गांधी जाने की हिम्मत करते हैं, इसीलिए राहुल गांधी भाजपा के लिए बौखलाहट का एक तरीका है। मैं फिर आपसे कहती हूँ, नारा दिया गया था रजा साहब कांग्रेस मुक्त भारत का, जब तक भाजपा का नारा था कांग्रेस मुक्त का, गांधी परिवार राहुल गांधी पर हमले का, देश ने कहा ये तो अंदरूनी कांग्रेस का मामला है, गांधी परिवार का मामला है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का मामला है। आई एम सॉरी, मेरी कसूर है, इट्स नॉन स्टॉप बज रहा है, मेरा कसूर है, माफी चाहूंगी। सो राहुल गांधी जी का मामला है कांग्रेस का, गांधी परिवार को, बापू को गालियां पड़ रही हैं, नेहरू को गाली पड़ रही है, अंदरूनी मामला कांग्रेस निपट लेगी, ये तो राजनीति है। लेकिन क्या मैं ये पूछती हूँ, ये हमला कांग्रेस मुक्त तक रहा, कांग्रेस तक रहा, गांधी परिवार राहुल गांधी तक रहा, ये देश के संविधान पर, देश के लोकतंत्र पर आज ये हमला हो रहा है, जिस रस खनक में हम बैठे हैं, क्या हुआ कुछ दिन पहले, दो दिन पहले, किस किस पे हमला हो रहा है? हमारा नारा था, जो आपने भी नेहरू जी का जिक्र किया, उनके योगदान की बात की कि कैसे विज्ञान को लेकर एक भारत का निर्माण करने के लिए गुलामी की जंजीरों से भारत माँ को निकाल कर उन्होंने उस समय पर खड़ा करने के प्रयास किए और भाखड़ा नांगल से लेकर IIT, कितना कुछ मैं कहती हूँ विज्ञान को लेकर आज अंतरिक्ष तक आप कह रहे हम पहुंचे हैं। लेकिन बात ये कि अब तो हमला आप पर हो रहा है ना, अब तो हमला बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर हो रहा है ना। पूछते हैं कैसे हमला हुआ, क्या हुआ था, तालेबंदी थी ना, सब घरों में बंद थे ना, क्या किया, कैबिनेट में एक नोट आता है कृषि कानून लाखों करोड़ों किसानों पर थोप दिए जाते हैं, कोई चर्चा नहीं होती, किसी पता नहीं होता, लेकिन पूंजीपति मित्रों को लाभ के लिए बिना लोकसभा राज्यसभा में चर्चा के लिए अध्यादेश से कृषि कानून थोप दिया गया। अंजाम क्या हुआ, 700 किसानों को अपनी कुर्बानी शहादत देनी पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता और घुटने पर इस सरकार को आना पड़ा क्योंकि आप सब देश किसानों के अंदाजों के साथ खड़ा था और कानून वापस लेना पड़ा, ताना शाह को लेना पड़ा। आज मैं वही कह रही हूँ, हमला देश मेरा जितना है उतना आपका, जितना देश कांग्रेस का राहुल गांधी का उससे अधिक ये देश पर हक आप लोगों का है। जिस विधानसभा से मैं विधायक रही, चांदनी चौक से जामा मस्जिद आता है, बहुत कुछ सुना देखा, 30 साल का राजनीति का मेरा सफर में बहुत कुछ, छात्र राजनीति 18 साल में शुरू किया और आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 30 साल के सफर में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं।
जामा मस्जिद की विधायक रही रजा साहब, जो शब्द नए संसद भवन में भाजपा के दिल्ली के राजधानी दिल्ली के एक सांसद के मुंह से एक धर्म के लिए सुने गए, आप उम्मीद कर सकते हैं कोई कार्रवाई? उन्हें राजस्थान में ही प्रभारी बनाकर भेजा गया है और अगले दिन ही राजस्थान में धार्मिक उन्माद की कोशिशें शुरू हो जाती है। सलाम करती हूँ हरियाणा के लोगों का, कोशिश हुई नून के अंदर, कोशिश हुई जलाने की धर्म के नाम पर हरियाणा के लोगों ने अपील की गई जात पंचायतें बैठे और समर्थन करें, उन्होंने तुरंत बहिष्कार किया और एक खड़े हो गए और वो आग लगते लगते पहले से बुझा दिया आप लोगों ने। ये श्रेय देश के लोगों को जा, ये प्रयास आप लोगों के है। इतिहास की नींव, भविष्य का निर्माण। इतिहास की नींव क्या थी? वो नींव जो हमारे आजादी के आंदोलन में लोगों ने रखी, आजादी की बाहर आकर आजादी लेकर उसके बाद भारत के निर्माण में उस फाउंडेशन को मजबूत किया। आज क्या कर रहे हैं? उस नींव को खोखला करने का काम हो रहा है, उस इतिहास को बदलने का कोशिश हो रहा है। उस इतिहास के पन्ने से छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। कोविड में छुट्टियां हुई, स्कूल बंद हुए, मेरी सबसे छोटी सिस्टर का बेटा जो है वो 5वीं क्लास में है, उसकी किताब पढ़ा रही थी हिंदी की, उसको पूरी किताब में मुझे गांधी नहीं दिखा लेकिन मुझे सावरकर दिखा। और एक कहानी थी कि एक स्कूल का बच्चा दूसरे बच्चों को खेलते खेलते कुएं में, पास में कुएं में गिर जाता और सब बच्चे चीखते हैं चिल्लाते हैं और बच्चे की जान बच जाती है और उस बच्चे को सावरकर पुरस्कार दिया गया। अब वो मुझसे ये नहीं पूछ रहा गांधी कौन था, वो स्वाभाविक है पूछेगा सावरकर कौन था। लेकिन गांधी गायब कर दिया आपने और आप सावरकर और गोडसे, क्या हुआ इस गांधी जयंती पर? G20 में विश्व के नेताओं ने बापू की समाधि पर जाकर प्रधानमंत्री जी आप ही के साथ सर झुकाया है और आज भी विश्व झुकाता है, लेकिन आपने क्या किया गांधी जयंती पर? ट्विटर ट्रेंड कर रहा था, क्या ट्रेंड कर रहा था? गोडसे जिंदाबाद। ये आपको सोचना है कौन सी विचारधारा, कौन से रास्ते पर ये हिंदुस्तान को लेकर हम गुलामी से अंग्रेजों से लड़ते हुए 75 सालों में यहाँ पहुंचे हैं। और जो पूछ रहे हैं इंडिया आफ्टर 2024 कुछ फिल्मी सितारे कहें या भाजपा के लोगों के लिए, तो हम आजादी 2014 के बाद हुए हैं, उससे पहले तो देश में कुछ था ही नहीं, ना आजादी थी। मैं फिर कह रही हूँ ये बात कांग्रेस की नहीं है। आज हमें मालूम है इस तानाशाह सत्ता को जो पूंजीपति मित्रों के दम पर, सत्ता धन और बल के दम पर सिर्फ कांग्रेस को एक विपक्ष के तौर पर कुचल नहीं रही है, देश की हर उस उठती हुई आवाज को कुचल रही है जो इन्हें सही रास्ते पर लाने का या दिखाने का काम कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम मुझसे पहले के प्रवक्ताओं ने क्या बोला और किस लाइन पर थे और मैं कोई अलग ही लाइन ले रही हूं, लेकिन मैं राजनीति में हूं। इंडिया का एक समूह बना है, पटना में 16 समूह थे, बेंगलोर आते आते 26 हो गए, मुंबई की मीटिंग होने से पहले हमला हो गया, एनसीपी शिवसेना को दो फाड़ किया गया, जिन्हें भ्रष्ट बताते थे उन्हें अपने पास लेकर उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। हमले अभी भी नहीं रुके हैं, हमले लगातार जारी हैं। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ इंडिया समूह विपक्ष के ऊपर है कि हम या इंडिया विपक्ष खड़ा रहे मजबूती से? और आप लोगों के बिना क्या वो विपक्ष मजबूती से खड़ा रह सकता है? हमें ईडी सीबीआई किसी तरह के कोई भी हमले से डर नहीं है। राहुल गांधी जी को 55 घंटे, सोनिया गांधी जी स्वास्थ्य नहीं थी संसद के दौरान, सत्र के दौरान 55 घंटे ईडी ने बुलाया, पूछताछ की। 10 साल से सत्ता आपके पास है, 10 साल लगभग आपके पास है, आपसे 10 सालों के सवाल करें तो आप इतिहास में चले जाते हैं। कोई उन्हें नहीं कहता है कि 10 साल एक दशक आपके पास था। मेरा 8 साल का बेटा 10 साल में 18 का बालिग हो गया, मतदाता हो गया है, पढ़ रहा है, उसको रोजगार चाहिए, हक अधिकार चाहिए और आप 70 साल पुरानी बातों पे जा रहे हैं। और बहुत से लोग हैं जब भी हम 10 साल पे सवाल करते हैं तो 10 साल पीछे 20 साल मनमोहन सिंह जी के, उससे पीछे 75 की इमरजेंसी और उससे पीछे चीन के साथ युद्ध और नेहरू युग, पता नहीं कहां तक। क्या आप भी ये चाहते हैं तो आप तय कर लीजिए। फिर हम इन 10 सालों की चर्चा छोड़कर आजादी से लेकर, आजादी से पहले से लेकर बाद में इसी के ऊपर चर्चा करके इसी को कुरेदते रहते हैं और इन्हें बच निकलने का रास्ता दे देते हैं। ये बात पूरा देश मान चुका है कि जो मैं भी इस बात को स्वीकारती हूँ, जो 14 और 19 के चुनावों में मोदी लहर थी, जितने फिल्मी सितारे हुए एक आई चल मेरी धन्नो के नाम पर 10 साल से सांसद है, एक आई 2.5 किलो का हाथ पे सांसद है, और ऐसे बहुत लंबी लिस्ट भाजपा ने इस बार भी तैयार की है सर, जो सेलिब्रिटी है, फिल्मी सितारे हैं, क्रिकेटर्स हैं, कोई उनका कंट्रीब्यूशन योगदान न था न है न होगा, सबकी लिस्ट तैयार कर ली गई है कि भाजपा के जो सांसद हैं जिनका एंटी इनकम्बेंसी है, हर बार उनको खत्म करने के लिए टिकटें काटी जाती हैं और ऐसे चेहरों को ला दिया जाता है। दिल्ली में भी गौतम गंभीर आए, हंसराज हंसा। तो अब कोशिश है कि फिल्मी सितारों को लाओ, चकाचौंध होगी, आंखें बिल्कुल आपकी कहते हैं ना चुंधिया जाने वाली, अंधेरा आ जाएगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा, फिल्मी डायलॉग पे वाह वाह करके बटन दबेंगे, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, सरहद, चीन, आदिवासी, दलित बेटियों के साथ जो कुछ भी हुआ हमने देखा सब भूल जाएंगे, चल मेरी धन्नो, 2.5 किलो का हाथ, नए नए आ रहे कलाकार, वोट पड़ जाता है। और उसके बाद वो 10 साल जाते नहीं, क्योंकि वोट तो मोदी जी को दिया है, आपको थोड़ी ना दिया, और उनकी भी जवाबदेही नहीं होती है।
सो प्लीज हाथ जोड़कर कहूंगी, और हमारे जैसे जो 30 साल से संघर्ष कर रहे, एक चुनाव जीतते दूसरे में जमानत ही जब्त करा देती है, दिल्ली हमारे लोगों भ्रष्ट थे, करप्ट थे, क्या थे, लेकिन एक लहर थी, एक लहर चलती है, उस लहर में हमारे जैसे लोग भी, लेकिन हारने के बाद क्या हमने छोड़ी लड़ाई, लड़ाई अभी भी जारी है। राहुल गांधी जी पे हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वे चीन पे सवाल पूछ रहे हैं। अभी किस न्यूज क्लिप के पत्रकारों पर क्या कहकर आप कह रहे हैं मीडिया के खिलाफ, एक मीडिया को पैरेलल खड़ा कर दिया गया कि मीडिया मीडिया का काउंटर करे, सारे गोदी मीडिया वाले बताने लग गए कि न्यूज क्लिप ने या उनके पत्रकारों ने चीन से पैसा लिया, गद्दारी कर रहे हैं, गद्दार है, यूएपीए लगाई है, वो भी तो मीडिया है, वो भी तो हमारे देश का मीडिया है, वो भी तो स्वतंत्र मीडिया है, वो भी तो बोल रहा है, उन्हें इनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। किसान आंदोलन में किसानों को लाकर खड़ा कर दिया, ये तो किसान है ही नहीं है, ये तो खालिस्तानी है, ये तो इसके समर्थक है, उसके समर्थक है, लेफ्टिस्ट है, कुछ भी। सो अब हो गया है कि पत्रकारों को पत्रकारों से बिठाई भड़वाइए, एक विचार को दूसरे विचार से, एक धर्म को दूसरे विचार से ला दीजिए। राहुल गांधी जी का हमें मालूम है, और गलती हमारी भी थी जब राहुल गांधी जी पर लगातार हमले हो रहे थे, क्योंकि वही एक मजबूत चेहरा हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, और उन पर लगातार अटैक हो रहे थे, देश से साथ नहीं मिल रहा था, मीडिया से साथ नहीं मिल रहा था। आज जो पॉलिटिक्स जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस तरह के मंच हमारे लिए उपलब्ध नहीं थे, अकेले लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा की, लोगों ने राहुल गांधी को जानना शुरू किया, उनसे मिलना शुरू किया, उनसे बात की, और मैं इस बात की गवाह हूं कि जब राहुल जी निकल रहे थे, महिलाएं सबसे ज्यादा आकर मिलती थी, और प्राय आदमी को कोई गले नहीं मिलता, पर उनको प्राय नहीं लगता था, इसलिए वो माँ बहन बेटियां भी गले लग जाती थी और आंसू शुरू हो जाते थे। क्यों? उनके आंसू शुरू होकर मैं इस बात की गवाह हूं कि बहुत सी बेटियों ने कहा कि राहुल गांधी जी हमारी FIR नहीं हो रही, हमारा 14-15 सालों से मामले चल रहे हैं, मेरी बेटी का बलात्कार हुआ है, मुझे न्याय नहीं मिल रहा, अदालतों में सुनवाई नहीं, ये बात राहुल जी को कही, और राहुल जी ने क्या कहा, एक जगह प्रेस वार्ता में इस बात को कहकर गलती कर दी। दिल्ली पुलिस राहुल गांधी जी के घर पहुंच गए कि राहुल गांधी जी आपने भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर में भाषण में कहा था कि आपको भारत जोड़ो यात्रा में बलात्कार की, यौन शोषण की पीड़ित महिलाएं बेटियां मिली हैं, हम उनकी जानकारी लेने आए हैं। और जब वो जानकारी दिल्ली पुलिस राहुल गांधी जी के घर पे रजा साहब मांग रही थी ना, उसी समय हमारी हरियाणा की, हमारा मान सम्मान से सर तिरंगा लेकर ऊंचा करने वाली साक्षी मलिक न्याय मांग रही थी, और दिल्ली पुलिस उसके पास जाकर उसकी FIR नहीं कर रही थी, वो दिल्ली पुलिस राहुल गांधी जी से पूछ रही थी, नाम बताइए हमें, नहीं तो झूठा बयान और ये वर्ड में आप में ही हम केस। राहुल जी ने कहा, उन्होंने विश्वास में मुझे ये बातें कही है, मैंने उनसे पूछा कि मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ू, उन्होंने कहा नहीं, आपसे मिल लिया, हमें पता हमारी लड़ाई आप लड़ लेंगे, इसलिए हम अपने नाम को, अपनी बदनामी को छुपाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने उस बदनामी का सामना किया है समाज में, और जिस तरह की उनको उनको रिस्पांस मिला है। अब आप सोच लो साक्षी मलिक कौन है, भारत का नाम ऊंचा करने वाली, तिरंगे में विश्व में ऊंचा करने वाली बेटी हमारी जंतर मंतर पे बैठती है। FIR कब होती है, जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है तब पुलिस FIR करती है। बोली देश की महिला विकास मंत्री, बोली बेटी बचाओ बचाओ का नारा देने वाले, लाल किले की प्राचीर से नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी बेटे मिले उस बेटी से, जब मेडल लेकर आई थी तब तो आप मिले, और क्या किया ब्रजभूषण शरण ने, इस मेडल की कीमत बताई थी, कितने का मेडल देते हैं, इस मेडल की कीमत बता दी थी उसने कि ये तो ऐसे ही मिलते हैं मेडल, हाँ 15-50 ऐसे ही कुछ कीमत थी कि ये तो मेडल ऐसे ही मिल जाते हैं। और आज क्या है, क्या ब्रजभूषण शरण अरेस्ट हो गया है, दिल्ली पुलिस की स्टेटमेंट है चार्जशीट में कि उसे जब जब मौका मिलता था, भाजपा का सांसद, वर्ल्ड इंडियन फेडरेशन, हमारी रेसलिंग फेडरेशन का चेयरमैन जिसकी सत्ता है, उसके दम पर वो बेटियों को जब जब मौका मिलता था उनको उनसे छेड़छाड़ करता था। ये मैं नहीं, दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट पे कह रही हूँ, उसके बाद अरेस्ट हुआ नहीं होता है। बाबाओं की सर आप बात कर रहे थे, बाबाओं को जिनका भी नाम लोग सब जानते हैं, जिनके सामने वो झुकते रहे, इसीलिए हरियाणा के एक बाबा को सब 7 बार बेल में पैरोल पर बाहर आए हैं, 7 बार पैरोल पर बाहर, उम्र कैद, हत्या, बलात्कार के मामले हैं, कोई बड़ी बात नहीं, जो राजस्थान में बंद है नाबालिग बेटी के बलात्कार, और उसमें वो भी चुनाव में पैरोल पर बाहर आ जाए, भाजपा के लिए प्रचार कर रहा हो, और बहुत से उनको मानने वाले हैं अभी भी। मैं आज इस बात का खुलासा कर रही हूँ, मैं दिल्ली विधानसभा में विधायक थी, निर्भया के आंदोलन मेरी सरकार में हुआ, पर मैं इंडिया गेट में निर्भया आंदोलन में सबसे आगे खड़ी रही थी, अंत तक मेरी सरकार थी पर लड़ी निर्भया में, न्याय मिलना चाहिए, और उसमें दिल्ली वाली पार्टी भी थी, आम आदमी पार्टी, उस पूरे आंदोलन से वहीं से उनको मिला। मैं जब रजा साहब विधायक बनी अशोक जी, उसी विधानसभा में मेरा विधानसभा में सत्र था, उसी दिन सुबह की खबर थी कि राम रहीम को दोषी करार दे दिया गया है। मुझे बहुत एक मिली कि पहले हम लोग कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ लड़ते रहे, पूरी सत्ता ने जोर लगा दिया कुलदीप सिंह सेंगर तरस ना हो, दोषी करार दिया गया, जेल में गया, और दूसरा हमारा दबाव था कि इस बाबा के खिलाफ होना चाहिए, और उस
दिन सुबह जब विधानसभा सत्र था यही फैसला आया और मैं फेसबुक लाइव चली। फेसबुक लाइव जाते ही मैंने बेटियों को कहा हिम्मत रखिएगा, देखिए न्याय मिलेगा। लंबी लड़ाई है लेकिन न्याय मिलेगा। आज इतना बड़ा बाबा जिसके पास पीछे पूरी सत्ता धन और बल है आज दोषी करार दिया और जेल जा रहा है, बधाई दी। लेकिन पता है क्या है, जब मैं लाइव कर रही थी बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री जो मेरे मुख्यमंत्री मेरे पार्टी के थे उनका लगातार फोन बज रहा था। मुझे लगा सत्र है, हर सत्र में वो बताते हैं कि कौन बोलेगा क्या बोलेगा, उसकी तैयारी करने के लिए वही कुछ कह रहे होंगे और मुझे लगता है आज मुझे इसी पर तैयारी करने को कहा होता जिसपे मैं फेसबुक लाइव कर रही हूँ। मैंने फोन काटा, फोन काटने के बाद क्योंकि मेरा लाइव चल रहा था, लाइव खत्म हुआ मैंने फोन किया, मैंने कहा सर माफी चाहूंगी आपका फोन नहीं उठा पाई, मैं लाइव थी। हाँ मैं देख रहा हूँ तुम लाइव हो, डिलीट करो उसे। मैं कहा सर क्यों, अभी की खबर है सर दोषी करार दे दिया गया राम रहीम, उम्र कैद हुई है बेटे के बलात्कार हत्या में, हमें हरियाणा चुनाव लड़ना है और उनके जितने भी समर्थक हैं वो सब मुझे फोन करके मेरा हैरान कर रहे जीना, क्योंकि वो हमें पार्टी को आगे बढ़ाने का उन्होंने वादा किया और वो सब मेरे खिलाफ हो गए, तुम अभी हटाओ। मैं कहा सर माफी चाहूंगी, आप मेरे खिलाफ जो कार्रवाई करनी हो आप करिए लेकिन ये लाइव नहीं हटाऊंगी मैं, और मुझे दुख है कि आप ये मुझे कह रहे हैं। और आज अगर आप मुझे मौका देंगे विधानसभा में बोलने का तो मैं आज इस पे बोलना चाहती हूँ। मुझे बोलने नहीं दिया गया और शाम तक पता लगा मुझे आम आदमी पार्टी ने प्रवक्ता पद से हटा दिया है। सो ये अपनी सच्चाइयां हैं, अब आप इसको सच माने झूठ माने। फिर राजीव गांधी जी के भारत रत्न के वापसी का प्रस्ताव आया, कौन है राजीव गांधी, कांग्रेस के नेता थे। बस पूछना चाहती हूँ आपसे, भारत का सपूत था, सबसे युवा प्रधानमंत्री, भारत रत्न, शहीद होने वाला, आतंकियों के सामने झुकने नहीं अपनी शहादत देने वाला आदमी था, और दिल्ली की एक छोटी सी विधानसभा जो पूर्ण विधानसभा नहीं है उस पर प्रस्ताव लाया जाता है कि राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस लिया जाना चाहिए और ये प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा रहा था। मैंने वही कहा मुख्यमंत्री को कि ये हिम्मत तो भाजपा भी कभी नहीं दिखा पाई। ठीक है वो राजीव जी को दोषी ठहराती है, गाली देती है, सब कुछ देती है, पर ये हिम्मत तो देश की किसी विधानसभा और भाजपा भी नहीं दिखा पाई कि राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस लिया जाए। आप क्यों कर रहे हैं, क्या भाजपा का दबाव है, ये इशारा है? व्हिप जारी हो गया एक लाइन का, जो जानते हैं कि अगर व्हिप जारी हो जाए तो आपको पार्टी के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा होना है, अगर आप प्रस्ताव के समर्थन में वोट नहीं करते तो आपकी सदस्यता जाती है जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ के मुताबिक। मेरे पास दो ही रास्ते थे, कमरे में गई बहुत सोचा, दो रास्ते हैं, प्रस्ताव आ रहा है उसका समर्थन करूं या उसका विरोध करूं, और विरोध करूंगी तो सदस्यता जाएगी। लेकिन मैंने अपनी विधायकी सत्ता सरकार को नमस्कार किया, वॉकआउट किया, समर्थन नहीं किया, लड़ी उसके खिलाफ। भारत रत्न कांग्रेस के नेता नहीं थे, देश का वो शहीद था जिसका वो जो डिजर्व करता था वो देश ने उसको वो सम्मान दिया है, और वापस अपने घर में वापसी की। विधायक थी, भाजपा ने कहा नई दिल्ली से पार्लियामेंट लड़ लो, आए मेरे घर में भाजपा संघ आरएसएस के सब लोग आए, सिटिंग विधायक हूँ, पता था केजरीवाल के साथ अब ये नहीं रहेगी आम आदमी पार्टी के साथ तो भाजपा में सांसद, लेकिन नहीं विचारधारा थी, 30 साल की राजनीति गांधी की सोच उसकी विचारधारा से, और इनके खिलाफ लड़कर दिए एक सांसद बनने के लिए सत्ता से कैसे समझौता, वापिस संघर्ष का रास्ता चुना हूँ। और मैं अकेली नहीं हूँ, मैं फिर कह रही हूँ आज बहुत से लोग कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं जो भाजपा और आम आदमी में गए हैं सब, क्योंकि ये एक विचार है जो उस बड़े विचार से जो देश के सामने खतरा है उससे लड़ रहा है। आज बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत की मजबूरी है। आज मुझे, मैं बता रही हूँ, मैं अब पता नहीं फिर नाम लेना चाहिए नहीं, मैं नहीं लूंगी क्योंकि मेरा उनसे वायदा था, इसलिए कांग्रेस भाजपा के फाउंडर मेंबर और बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे लोगों को, एक का उदाहरण मैं दे भी दूंगी, ऐसे ऐसे लोगों को संवैधानिक सर्वोच्च पदों पर बिठा रहे हैं जिनकी छवि दागदार है, जिनके पीछे बहुत कुछ ऐसा है कि उन्हें तो जेल के सलाखों के पीछे सड़ना चाहिए, लेकिन वो उन्हें चुनकर ला रहे हैं और उन्हें बंद कमरों में बताते हैं कि ये देखो तुम्हारे खिलाफ क्या है, अब मैं इन सबको खत्म कर रहा हूँ और तुम्हें ये पद दे रहा हूँ, पर तुम्हें पपेट बनकर हाँ में हाँ ना में ना उठक बैठक ये सब करना है। बहुत से संवैधानिक पदों पे बैठे लोग ये कर रहे हैं, इसीलिए हमारी लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। एक उदाहरण दे रही हूँ जिसमें उन्होंने कहा क्या हुआ, कौन थे मिस्टर गोगोई, मुख्य न्यायाधीशों में से एक थे, आजादी के 75 सालों में कभी भी मुख्य न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं आरोप लगाया 75 सालों में कि आज लोकतंत्र खतरे में है या जुडिशरी फैसलों को प्रभावित करने के लिए केंद्र के मंत्रियों का दबाव। अभी ऐसे ही रविशंकर प्रसाद जी की छुट्टी नहीं हुई, ऐसे ही किरण रिजिजू की छुट्टी नहीं हुई क्योंकि जस्टिस झुके नहीं, और 5 जस्टिस में गौरव गोगोई जी भी थे, गौरव जी थे रंजन माफी चाहूंगी, गौरव गोगोई जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुझे वही लगा, वो तो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय रहे। क्या हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रफाल का मामला था,
यौन उत्पीड़न के उनके ऊपर मामले दर्ज कर दिए गए, बंद कमरे में बुलाया, जो बातें होती है कि रफाल में क्लीन चिट दो, इन मामलों से हम रफा दफा करेंगे और सम्मान भी देंगे, और आज वो राज्यसभा के सांसद हैं। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। सो मैं आप सबको कह रही हूँ, माफी चाहूंगी, बहुत लंबा हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं भाषण नहीं, बात कर रही हूँ आप, और ये बात होना, आपकी हमारी संवाद होना बेहद जरूरी है। मुझे मालूम है कांग्रेस में, मुझ में, हम में बहुत सी कमियां होंगी, और ये कमियां हमें कोई और नहीं, आप बताते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया होता तो ऐसा किया होता तो ऐसा करे, या कांग्रेस ऐसा करे, कांग्रेस को ऐसा, इंडिया को ऐसा, हम सुन रहे हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र की आवाजों में विश्वास रख रहे हैं। कमियां हैं, कमियां हो भी सकती हैं आगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम अपनी गलतियों को दोहराएं नहीं, हम अपनी गलतियों से सीखें, हम अपनी गलतियों से सीखें। सो आप सबसे मैं कहूंगी, 2024 दहलीज पे खड़ा हुआ है, देश करवट ले रहा है, एक बदलाव बड़ा हम सब चाहते हैं। 10 साल मनमोहन सिंह जी को दिए तो 10 साल आपने मोदी जी को भी दिए। अब समय है कि मुद्दों के ऊपर रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री अपनी पेश करे। जातीय जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा देश का बन रहा था। जिस दिन बिहार के जातीय जनगणना के आंकड़े आए, हमें मालूम था उत्तर प्रदेश से अब आवाज उठेगी, सबसे बड़ा राज्य बंगाल, उत्तर प्रदेश राज, प्रियंका गांधी जी छत्तीसगढ़ की धरती पर खड़ी हैं और बोल रही हैं, सरकार आते ही हम अपने अपने राज्यों में जातीय जनगणना करा के जिसका जितना भागीदारी, जिसका जितना हक, उसको देंगे। ये आज हमारी मंशा थी और ये होना था, लेकिन क्या हुआ, अगले दिन ही मुद्दों से, टीवी डिबेट से हमें भटका कर ले आए इन सब चीजों पर, और गद्दार घोषित करिए इनको, क्योंकि अब जातीय जनगणना पे यही तो पत्रकार हैं, अब देश को तैयार करेंगे। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य अगर तैयार हो गया तो सोचिए क्या होगा जातियों में। और प्रधानमंत्री जी भी बयान देने पर उतर आए कि ये कहते हैं, और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बयान अधूरा दिखाया, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, देश का प्रधानमंत्री, सर्वोच्च पद पे बैठा आदमी, डिजिटल इंडिया का जमाना है, झूठ बोलते हैं और सोचते हैं सच्चाई कोई लाने वाला अब है नहीं है। हैं कुछ लोग निडर जो डर नहीं रहे और सच्चाई काउंटर आपकी ला रहे हैं सामने, कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि जातीय जनगणना मुस्लिम्स को, इसी एक कौम को, क्योंकि हम अपीजमेंट कर रहे हैं, हमें खुश कर रहे हैं, तुष्टिकरण, उनका बयान पूरा आप जैसे लोगों ने चलाया, सच्चाई आई सामने की नहीं, नहीं हमें तो ये चाहते हैं हम कोर्ट में बैठे रहे, मानहानि करें, कृषि कानून में भी कोर्ट में चले जाइए, हर चीज में हमें कोर्ट का चुनाव में हराना ही सबसे बड़ी मानहानि। मैं वही कह रही हूँ, लोकतंत्र से बड़ी अदालत कोई नहीं है। एक वोट की ताकत है, एक वोट की ताकत है, एक बटन दबाना है। और मैं आपको यहाँ पर खड़े होकर कह के जा रही हूँ, मैं हिमाचल चुनावों में मीडिया प्रभारी थी, कर्नाटक के चुनाव में पूरा ध्रुवीकरण, मुझे तो एक बार लगा कि चुनाव निकल गया हमारे हाथ से, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री जी खुद कूदे और बजरंग बली की तुलना बजरंग दल के साथ, कि बजरंग दल पर बैन मतलब बजरंग बली का अपमान। और हमें तो लगा शिमोगा जैसे जो कुछ इलाके हैं जहां अभी भी इस समय हिंसा हो रही है, जातीय हिंसा कर्नाटक के शिमोगा में, हमें लगा क्या होगा, 5 में से 3 सीटें हम वहां पर जीते जबकि एक थी। तो लोगों को समझ आना शुरू हुआ कि आपको कब तक जाति और धर्मों पर इस तरह के प्रधानमंत्री जी खुद अपमान हो गया, बजरंग बली जवाब देगा, ये वो हमने वहां पर जवाब दिया। और अब आपको मैं यहाँ खड़े होकर कहते जा रही हूँ, आजकल में चुनाव आचार संहिता 5 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम घोषणा होने जा रही है, मैं लिख कर देखे जा रही हूँ, जिस तरीके से हमारे नेतृत्व और पूरा सक्रिय है, हमारे जो काम है, दिसंबर में आपसे दोबारा मिलूंगी ताकि 24 की लड़ाई को और ताकत से लड़ूं हम इन राज्यों में, मिजोरम का मैं, मणिपुर के जो लोग देख रहे हैं, डबल इंजन की सरकार चलती है, प्रधानमंत्री चुनाव राज्यों में वोट मांगने जाते हैं, वहां नहीं जाते, उस दम पर कह रही हूं ये बदलाव होने जा रहा है। कांग्रेस 5 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में सीधे टक्कर में है, और इस उम्मीद के साथ है जो इंडिया समूह के बाकी दल है जो वहां पर है ही नहीं कहीं पर भी, सीधा हमारी टक्कर है, उसमें पूरा सहयोग करते रहेंगे और स्वाभाविक है ये लड़ाई हम जीतेंगे। एक ही नारा है, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। धन्यवाद, जय हिंद।